और चने की दाल भी थी, हिमाचली धाम। हाँ तो मतलब इतना सारा कुछ, और लास्ट में एक चाशनी थी कुछ बूंदी की चाशनी। ऐसे घरों में मतलब ये स्लेटी वगैरह लगती है, जैसे आप लोगों को देख रहे हो तो ये स्लेटी वगैरह लग रही है। व्यू पॉइंट करके कुछ पूल बना रखा है, व्यू पूल सॉरी, जो ये कुल्लू मनाली वाले में आई थी। अच्छा तब गिरा था ये पूरा ब्रिज है, ये तो पूरा प्लेन एरिया ही है तुम्हारा, एक तरह से देखा जाए तो ना। Hey guys, what's up? This is Harry. Welcome back to my YouTube channel. Hope you guys doing absolutely fine. So guys, ये दूसरा दिन है मेरा हिमाचल प्रदेश में। जैसे कि आपने देखा कि कल रात को हम जो थे वो हम लोग हिमाचल पहुंच गए थे, है ना। उत्तराखंड से हिमाचल की जर्नी बहुत अच्छी रही मेरी और मज़ा आया। और अभी फिलहाल जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अतुल के घर पे हूँ, और सर बताऊँ तो यहाँ पर आके तो बिल्कुल मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं भाई अपने उत्तराखंड से बाहर हूँ। मतलब भाई ये देखो पहाड़ है आगे, देखो आगे भी पहाड़ दिख रहे होंगे आप लोगों को, और इस साइड में मतलब पीछे पहाड़ हैं। तो मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि भाई मैं कहीं घर से बाहर हूँ, और मैं अभी फिलहाल अतुल के घर पे हूँ ना। इस जगह को क्या बोलते हैं, हमीरपुर करके कोई जगह है। ये पूरा जो जंगल एरिया है भाई, ये देखो हमारे यहाँ कैसे, हमारे यहाँ बांस जो है ना वो दूर दूर लगे होते हैं, यहाँ पर वो कितने नज़दीक लगे हुए हैं घर के आसपास है। और यहाँ पर ये देखो ऐसा घर है, ये ऐसे घरों में मतलब ये स्लेटी वगैरह लगती हैं, जैसे आप लोग देख रहे हो तो ये स्लेटी वगैरह लग रखी हैं। और इस भी ये अतुल का घर है इधर वाला ना, और गाड़ी से घर के आगे आ रखी है। मुझे तो इस चीज़ का बड़ा फू मची है, चिड़ मची है कि अतुल तेरे गाड़ी जो है तेरे घर के सामने भाई। जैसे हम लोग चाहते हैं ना कि हमारे घर के आगे हमारी बाइकें रहें, ये रहे वगैरह रहे वो सब। और वैसे मेन रोड ये है अतुल के घर के जाने के लिए। और यहाँ भाई बरगद का पेड़ है, ये पीपल का बरगद का पेड़ है ये पूरा। देखो फिर हम लोग रेडी हो चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं अतुल के, यहाँ पर कोई लोकल मार्केट के आसपास कोई टेंपल है ना, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो बस तैयार हो गए हम लोग भी, उससे पहले मैंने अतुल की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी और मस्त यहाँ पर ये देखो पूरा यहाँ पर शूट वगैरह करा मैंने अतुल का इंस्टाग्राम में देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग निकल रहे हैं टेंपल की साइड में, तब घूमते घामते डिग्गी होती है। मैं देखता हूँ, छोड़ बनकर रोक, मैं देख के आता हूँ ना, नीचे करता हूँ वो करता हूँ। डिग्गी कहीं है, डिग्गी पता कहाँ, जो नंबर प्लेट है वहाँ पे हाथ पता है मुझे। हाँ हाँ हो गया, बता भाई कहाँ जा रहे हैं फिर हम लोग। हम जा रहे हैं अब मंगली उगा मंदिर, जगह का नाम है ओली क्या, मंगली उगा। लोकल मार्केट है यहाँ की ना शायद, ये लोकल मंदिर है। तो तुम सोच रहे कि मम्मी पापा को घुमा के ले आते हैं। तो ये पूरा गाँव है तुम्हारा है पीछे, हमारे गांव में ऐसे गांव में पड़ जाता है, नीचे लग आगे मार्केट साइड नहीं है। हाँ, नीचे को मार्केट आगे। जगह बहुत प्यारी है हिमाचल की, प्लेन एरिया हमारा कहना, तुम्हारा प्लेन एरिया। हाँ ये बात तो है, अपने यहाँ पे ऐसे रोड नहीं निकली हुई है, हमारे यहाँ नहीं निकली हुई ऐसे रोड हमारे यहाँ ना। अच्छा, बहुत वैसा है हमारे यहाँ। अच्छा। जैसे दिखाया मैंने कि बड़े बड़े पहाड़ है वैसा है हमारे यहाँ, वहाँ पर ऐसे गांव हर घर घर में रोड नहीं मिलेगी हर घर में। यहाँ तो बहुत सही है भैया, वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सही सीन देखा मैंने। और यही चीज अच्छी होती है यार, अगर अपनी गाड़ी घर के आगे खड़ी हो ना तो टेंशन फ्री है। तेरी गाड़ी है, तेरी गाड़ी गेट के अंदर खड़ी होगी तो टेंशन नहीं है रात भर, मतलब ये नहीं कि कोई हवा निकल के चले जाएगा, ऐसा डर नहीं है। श्रीजा मजा आया आपको आज, आपने इतने सारे ड्रेस बदल लिए एक दिन में इतने सारे कपड़े बदल लिए आपने फ्री जगह हमने फोटो शूट करा था, बड़े मस्त मस्त तो हमने इसको अच्छे से कपड़े पहनाए। भाई साहब क्या है यहाँ पे, मस्त लगता है। तो ये तो पूरा प्लेन एरिया ही है तुम्हारा, एक तरह से देखा जाए तो ना। हाँ ये रास्ता जो मर्जी बोलो, रास्ता बहुत कहते सही है, मस्त रास्ता एकदम। तुम दोनों लग रहे हो झकास, नाना ठीक है। चार वीर गुग्गा मंगली, ये तो जब हम फोटो शूट के चक्कर में कपड़े चेंज कर जा रहे हैं। सही बात है, फोटो वगैरह क्लिक करवाई ना हमने, फोटो वगैरह मानने का मतलब क्या है, जो तो अच्छा अपने मन से सोचा ना पूरा होना। अच्छा तो यहाँ पर हुई होगी ना किसी की मान्यता पूरी, ऐसी तभी तो ना ज्यादा करके जैसे होता है ना शाम वगैरह के लिए जो काट लेते हैं तो फिर उनको यहाँ लेके आते हैं।
जैसे बाहर से कुछ खिला देते हैं, जैसे कहते हैं हाँ खिला दिया सही बात है, ऐसे उसके लिए मनाते हैं। तो भाई पहाड़ों में भी मतलब हर जगह ऐसे मंदिर है जहाँ पर हर किसी की कुछ ना कुछ मान्यता है, ये बात तो है। जैसे अपने उत्तराखंड में भी है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई बंदा यहाँ आता है, जैसे मान लो कि सांप ने काट लिया तो दिक्कत आती है ना, फिर उसके पास आते हैं मंदिर। अच्छा, तो वो हो जाता है, निकल जाता है जो खाया खिलाया होता है वो बनती है। अपने भाई सनातन धर्म में बहुत चीज़ें ऐसी बात नहीं है, वैसे तो सिमिलरिटी है यार बहुत ही हिमाचल उत्तराखंड कल्चर में बहुत ज़्यादा। जाहरवीर गुगा मंगली है मंदिर का नाम। दर्शन वगैरह कर लिया भाई हमने, प्रसाद में हमें ये मिला है, कुछ पता कुछ तो है इसमें, अब देखते हैं क्या है, मतलब वैसे खा सकते हैं मिट्टी कुछ है वैसे। हाँ भाई यहाँ देखो आगे कैसा है। तो दर्शन वगैरह कर लिए हमने, अब हम अतुल कहाँ जा रहे हैं? एक मंदिर हो रहा है, एक मंदिर और है। बट भाई यहाँ का रास्ता देखो यार, है बड़ा प्यारा रास्ता है, सच में यार। हाँ आगे दिख रहे हैं वो बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, वो देखो आगे मस्त। सो भाई यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए, आ जाओ मैं देख के आता थोड़ा सा घूम के आते हैं। सो यहाँ पर देखो बीज व्यू पॉइंट करके कुछ पूल बना रखा है, व्यू पूल सॉरी, और यहाँ पर आगे अतुल लेके जा रहा हूँ मुझे, तो मैं दिखा देते कैसा लग रहा है यहाँ पर, देख के आते हैं कैसा लग रहा है। कुछ थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मतलब ऐसे पहाड़ों पे आकर ऐसे देखने को मिल रहा था भाई, गजब चीज़ है। लोगों ने फन पॉइंट के लिए बना रखा है यहाँ पर मस्त एकदम से। पहाड़ों में इतना भी अगर इंजॉयमेंट करने को मिल रहा था तो ये मैं दिखा रहा आगे का व्यू, आगे का व्यू बनता है वहां से मतलब अच्छे से पहाड़ देखने को मिलेंगे और गदन देखने को मिलता है, मतलब पानी की जो जगह है वो देखने को मिलेगा वहां पे। तो चलो देख के आ रहे हैं यहां पे, और भाई कुत्ते घूम रहे थे यहां पे तो सबके सब डर गए पीछे, ये देखो। बाढ़ आई थी पिछले जो ये कुल्लू मनाली वाले में आई थी, अच्छा तब गिरा था ये पूरा ब्रिज है। तो ये टूटा हुआ है, तो ये ब्रिज कहाँ पर यहाँ मिलता था? अच्छा, पर मनाली में तो भाई उसने बहुत तबाही करी है उसने, मनाली में पीछे आता ना पानी, यहाँ तक यहाँ चला गया वहाँ चला गया। तो रेत वेत उठाते होंगे यहाँ से? रेत वेत नहीं उठाते लोग। वो गाँव कौन सा है पता है? कुछ सुगंधगढ़ भाई। अच्छा, तहसील तो नंदौड़ी होगा सबको, और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में चला जाता है, कांगड़ा ये वाला तुम्हारा वाला हमीरपुर में ना भाई। अपने ऋषिकेश में भी सेम ऐसे पहाड़ देखने को मिलेंगे, सेम ऐसे ऊपर, ये देखो ऊपर। अब जा रहे हैं हम घर वापसी, देखते हैं फिर कहीं की और की प्लानिंग करते हैं, अब आए हैं तो मस्ती तो करेंगे करेंगे भाई। आज वैसे होली भी है, सुजानपुर में भी मेला होता है बहुत अच्छा, तो ट्राई करते हैं फैमिली को घुमा देते हैं साथ में। मेरे दोस्त भी जी आए हैं चंडीगढ़ से, तो उनको भी थोड़ा अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं भंडारा खाने के लिए कहीं पे, कहाँ पर बोला था तुमने? आगे ना, तो यहाँ गांव के आसपास में कोई भंडारा लगा है तो सोचा हम भंडारा वगैरह खाने चलते हैं मजे से। जो मर्जी बोले यार, यहाँ लोकेशन बहुत प्यारी है, हो गया वैसे अभी लगे बने बने ये वाला ना एरिया डेवलप काफी हो गया है यहाँ पे। स्कूल बना हुआ, ये स्कूल है? अच्छा प्राइवेट स्कूल है। अच्छा अच्छा एलिवल का है, मदर्स जगह प्यारी है यहाँ पे, गाड़ी धोने वाला देख के हम बन गया, लोग डेवलप हो रहा है, हिमाचल का एंकर है, अच्छा बन गया। वो कह रहा हूं लगीन रहा एंकर की हम लोग तो वैसे बाहर, हां अच्छा लग रहा कि मतलब ऐसा नहीं होता कि मुझे अब उत्तराखंड से बंदा हुआ है ना, तो लगीन रहा मुझे कि मैं कहीं बाहर घूम रहा हूँ, अब आ जाता ना ऐसी जगह देखने की घूमने की, तो अच्छा लग रहा है। कोई अगर प्रॉपर प्लेन वाला बंदा है ना जो कभी बाहर पहाड़ गए देखा ही नहीं जिसने, उसको लिए बड़ा अच्छा लगेगा। अब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अपना कल्चर, तुम्हारे से तो हमारा डोन है। हाँ ये ना ये मान लो ये हमारे पापा और हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, मान सकते नीचे चली गई थी खाई में। कौन सी वाली गाड़ी का? मेरे पापा जी आए थे, मामू की गाड़ी थी। अच्छा अच्छा, और वो नीचे किसी ने था गाड़ी, मतलब गाड़ी ना पेड़ था एक नीचे रुक गई, नहीं नहीं चला, कौन रहा था? मामा जी चला रहे थे। ये पहाड़ों में ये वाला एक्सीडेंट वगैरह सीन तो बहुत होते हैं भाई, और जब होते हैं तो बहुत ब्रूटल होते हैं, बहुत ही खतरनाक वाले होते हैं, केयरफुली चलना चाहिए। और यहाँ का रास्ते भी दिखाता हूँ गाइस, भाई देखो भाई कितने प्यारे प्यारे रास्ते हैं, मस्त एकदम। वाओ ये देखो ऊपर जा रहे हैं हम लोग अभी, यहाँ पर गाइस हर घर के आगे ना रोड गई हुई है यार, ये देखो ये घर है इनका, यहाँ पर रोड आ रखी है, यहाँ अतुल ने गाड़ी पार्क कर दी है, और आगे ले ले तू गाड़ी को, ले ले सीधा ले आगे। मंदिर है जैसे शिवरात्रि को चले जाते हैं। अच्छा तो ये मंदिर वो हर टेंपल आ रहा होगा गर्मी में, जल्दी हम खड़ा करते हैं। अच्छा मंदिर है, तो गाइस पहुंच गया भाई, क्या लाइन लगी पड़ी यहाँ पे।
प्लेट तो मिल गई अपने को यहाँ पे फटाफट। आपको भूख लगी है? हैं? लगी है भूख आपको? तो भाई यहाँ पर कुछ पूजा हो रही थी और लंगर लंगर लगा यहाँ पे, तो हम लोगों ने सोचा कि जब भगवान जी के कीर्तन वगैरह चल रहे थे यहाँ पर खाते हुए निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी हम लोगों ने थोड़ा नीचे पार्क कर रखी है, ये देखो नीचे ऊपर, यहाँ हमने गाड़ी पार्क कर रखी है और गाड़ी पार्क करके हम लोग सीधे यहाँ आ गए। ये देखो भाई वहाँ खाना बट रहा, देखो वो देखो भाई, अपना उत्तराखंड का कल्चर भी सेम ही है भाई। शादी ब्याह में ना लोग सब ऐसे ही बैठ के खाते हैं। अपना हो गया डन, अब तो रहता है सूजा भी खा रही है। जो तो मीठा डाला था उन्होंने, ये मीठा को डाला, क्या डाली है? मीठा बूंदी जो होती है, बूंदी ना, बूंदी को चाशनी में डाल रखा था भाई, बहुत सही था ये। बूंदी को चाशनी में डाल रखा था कि भाई मजा आ गया खा के सच में भाई। हुआ ये कि वहाँ पर एक चावल थे और दाल भाई अलग अलग टाइप की, कड़ी भी थी, मतलब उड़द की दाल जो थी वो भी थी और चने की दाल भी थी। हाँ हिमाचली धाम, हाँ तो मतलब इतना सारा कुछ था। लास्ट में एक चाशनी थी कुछ बूंदी की चाशनी, तो वो भी हमने खाया है ना शीजा। आपका पेट भर गया पक्का? चलो भाई शीजा का भी भर गया, मेरे भर गया, अतुल का भी भर गया, अंकल जी ने भी खाया था, मजा आ गया, मजा आ गया। हैरी के चक्कर में मैंने भी आज हिमाचली धाम खा ली, हिमाचली धाम कंटिन्यू आता था लेकिन कभी खा नहीं पाता था, ये सही बात है। आज के चक्कर में सोचा चलिए कुछ खिलाऊंगा, खुद भी खा, कुछ नया एक्सपीरियंस भी हो गया इसी बहाने मेरा। तो ये ऐसा खाना तो नहीं खाया मैंने कभी, मतलब हमारे तो हमें भी ऐसे खाते खाया जाता है जैसे शादी ब्याह होती है ना, तो ऐसे खेतों में मतलब ऐसे लंगर लगा दिया जाता है। नहीं ऐसा नहीं बनता। अच्छा यहाँ का टेस्ट भाई नो डाउट, यहाँ का टेस्ट थोड़ा सा अलग था। एक तो जो हमने मीठी चाशनी खाई वो तो ठीक है, उससे पहले खटाई कुछ आई थी, क्या थी वो? सांबर? नहीं नहीं लाल वाली थी, सांबर तो पीली वाला था, खट्टा खट्टा। हाँ वो जो हिमाचल है वो लोग, हिमाचली जो लोग हैं वो समझ सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माणी। हाँ माणी, तो माणी भी खाई भाई हमने खट्टी खट्टी, तो सही था यार जो भी था, मजा आ गया खा के। भाई मैं सच में बताऊं गाइस, मैं बहुत बेशरम हो चुका हूँ भाई। भाई लोगों को पता नहीं होता, लोगों को फर्क नहीं पड़ता जो चलो ना, ये बात तो है। दूसरी बात ये कि मैं भी ना अगर चंडीगढ़ या फिर उत्तराखंड में भी व्लॉग करूँ ना थोड़ा बहुत हेजिटेट हो जाता हूँ, बट भाई यहाँ पर आकर तो मैं भी शर्मा नहीं रहा हूँ। इतनी भीड़ के सामने व्लॉग कर रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ मुझे कि बंद कर दे कैमरा, मैंने कहा भाई क्यों कर दे बंद, जब आई भैंक एक्सप्लोर करने के लिए रखे तो क्यों बंद कर दे कैमरा। और हम लोग गाड़ी के सामने पहुँच गए, यहाँ से निकलते सीधा घर के लिए।